हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश एवं जल जमाव से गांधीनगर कटरिया में रह रहे लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। वर्षों से नगर निगम की निष्क्रियता का दंश यहां लोगों को झेलना पड़ रहा है। इस इलाके के 3 दर्जन घरों में 1 से 1.5 फीट पानी घुस गया है। घरों में पानी रहने के कारण पैरों में सूजन तक हो गई है। वहीं नित्य कर्म करने एवं खाना बनाने में भी कठिनाई आ रही है। इस इलाके के मुख्य सड़कों पर 3 फीट पानी जमा है। सारी गलियों में भी पानी जमा हो चुका है। टापू जैसा दिख रहा है गांधीनगर कटरिया का नज़ारा, जिसकी वजह से लोगों का बाहर आना जाना तक भी बंद हो चुका है। इस इलाके के राजू शर्मा, रमेश शर्मा, गगन झा, प्रमोद ठाकुर, अजय मंडल के साथ कई अधिक लोगों के घर में पानी जमा हो चुका है और उन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर व्यवस्था की बात की जाए तो इस इलाके सहित शहर के बाहर वार्डों के जल जमाव को समाप्त करने के लिए 2 साल पहले शुरू हुए 25 करोड़ की लागत से 9 फीट ऊंचा, 11 फीट गहरा एवं 3 किलोमीटर लंबा नाला बनाने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अभी तक 400 से 500 फीट ही नाले का निर्माण हो पाया है। पिछले 7 माह से इस नाले का निर्माण कार्य भी बंद है। नाला निर्माण कार्य की अवधि भी 28 सितंबर 2020 को समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी विभाग बुडको निष्क्रिय बना हुआ है। अगर और भी इलाकों की बात की जाए तो इसके पूर्व सदर थाना, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, किसान भवन, प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र भी डूब चुका है। देख रहे हैं सर कैसी हाल हो रही है। पानी इतनी है कि चल नहीं पा रहे हैं। इतनी समस्या है बता भी नहीं सकते हैं। रेलवे लाइन से पूर्व वार्ड 17 के उत्तर बसा धर्मपुर औद्योगिक प्रांगण के दर्जनों उद्योग परिसर इस बारिश में डूब गया। मशीनों तक में भी पानी घुस चुका है।